Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. So finally, आज हम खाने वाले हैं यूपी फूड फॉर 24 आवर्स. नाउ फॉर योर काइंड इन्फो मैं बता दूं, पापा शेफ इज ओरिजिनली फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्चरली एंड बायोलॉजिकली आई एम फ्रॉम आगरा. मैं एक यूपियन हूँ. आई एम एन आगरियन. नो But, दिल से एंड पेट से और दिमाग से आई एम अ ह्यूमन हु लव्स फूड, और जिसके लिए सारे कास्ट रिलीजन कल्चर इज वन, एंड दैट इज वेयर वी कनेक्ट इच अदर थ्रू द मीडियम ऑफ फूड, बिकॉज फूड इज वन फॉर ऑल ऑफ अस. सो आज हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे खाना खाने वाले हैं, जो नॉर्मली मैं घर पे भी खाती हूँ कभी कभार. लाइक मेरे घर में सिस्टम क्या है, सुबह बनता है बंगाली खाना ना, और रात को बनता है मेरे पापा की साइड का खाना, जैसे लौकी का रायता, गट्टे की सब्जी, पानी की रोटी, पुदीना की चटनी, देन द टहरी. मेरे को अभी पता चल रहा है बहुत सारी चीज़ों का नाम, जैसे टहरी, बेडई, बेदमी पूरी, ये सब हम नॉर्मल पूरी सब्जी ऐसे नाम से खाते थे बचपन से लेके अभी तक. बट अभी जब मैंने रिसर्च किया अबाउट यूपी फूड, तब मुझे पता चला इनके नाम कुछ और है और हम इसे कुछ और नाम से बुलाते हैं. सो आज का जो कुजीन है इज वेरी फैमिलियर, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें हर जगह फॉर सम डिलीशियस कंटेंट. चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं. गुड मॉर्निंग बिट्टू भैया इज एट वर्क. आई एम सो प्राउड ऑन यू. आई एम सो प्राउड ऑन यू. थैंक यू सो मच. आई एम सो प्राउड ऑन यू पापा. थैंक यू सो मच. आई एम सो लकी. पापा मेरे लिए सुबह सुबह बना रहे यूपी का खाना, बेड़ई. पापा बेड़वी. पापा आगरा से है ना, इसलिए पापा मेरे लिए बना रहे हैं. मथुरा आगरा में यही मिलती है. ओके. पास मेरा ब्रेकफास्ट विच इज बेदमी पूड़ी, या फिर आप इसको बेदही भी बोल सकते हैं. दिस इज बेसिकली उड़द दाल स्टफ्ड पूड़ीज. अब देखो इसके अंदर उड़द दाल का काफी अच्छा फिलिंग है. इसके साथ हमने ले लिया आलू के रिश्तेदार सब्जी, एंड वी हैव गॉट सम जलेबीज. वाओ दिस इज डिलीशियस 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 डिलीशियस. ना एक बात बोल दूं, बेदमी पूड़ी या फिर बेड़ई बोल लीजिए, ये आगरा में बहुत खाया जाता है. लाइक यूपी के 2-3 स्टेट्स में काफी खाया जाता है, बट मुझे आगरा के बारे में ज्यादा पता है. पापा ने जैसे कहा, आपको ये हर स्ट्रीट्स एंड कॉर्नर्स में मिलेगा. मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट में इसको खाते हैं, एंड जलेबी इज अ मस्ट टू ईट विद दिस. एंड ये जो ऊपर से दही डालते हैं, दिस इज द राइट वे टू ईट दिस कॉम्बो, बिकॉज दही एड्स अ लॉट ऑफ खटास एंड यू नो मसालेदार फ्लेवर टू द टेस्ट. तो चलिए अब हम खा के देखते. वाओ द सब्जी इज खट्टी, चटपटी, स्पाइसी, इट्स वेरी मसालेदार, एंड ऑल्सो द पूड़ी इज वेरी मसालेदार, बिकॉज ये पूड़ी का जो स्टफिंग उड़द का दाल का, इसमें भी काफी ज्यादा मसाले हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज एप्ट गाइस, एप्ट. दही इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर, लॉट ऑफ फ्लेवर. जो भी बोलिए, इंडियन खाना इज सीरियसली द बेस्ट. घर पे खाना बनाने का यही फायदा पता है, जो घर में बने हुए खाने का जो स्वाद होता है ना, वो आपको बाहर बिल्कुल नहीं मिलेगा. अ लॉट ऑफ यू माइट हैव सीन मी ईटिंग जलेबी विद सब्जी, राइट. सो ये मैंने कभी, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है ये खाना, बट आई थिंक यू नो जीन्स में वो चीज है. पापा बोल रहे थे आगरा में ऐसे जलेबी को आलू की सब्जी में डुबो के खाया जाता है, एंड देन आई वॉज लाइक ओ that this is the reason I generally tend up eating, you know, jalebi with aloo ka sabzi. And a lot of people around me always says ki kitna weird combination hai, but trust me, kha ke dekho, you'll thanks me tons of times later. The jalebis are crispy, garam, kurkura, meetha. Uske saath ye tikhedar, masaledar sabzi and khattas uske andar. Upar se jo dahi ka khattas hai, it's fabulous. अभी बच गए हैं 2:30 एंड हो गया है लंच टाइम. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल जस्ट ऑर्डर सम फूड. कुछ यूपी खाना ऑर्डर करते हैं. लेट्स सी व्हाट वी कैन ऑर्डर.
लखनवी कुछ लखनवी खाते हैं. ओह वाओ, निहारी, शिरमाल रोटी, लखनवी बिरयानी. वाओ, ये सब यूपी का खाना होता है. दिस इज अमेजिंग. तो ये यहाँ पर मैंने लखनवी खाना मंगवाया है. तो यहाँ पर आई गॉट शिरमाल रोटी. वाओ, द शिरमाल रोटी लुक्स वेरी डिफरेंट देन द वन विच आई हैड इन जकरिया स्ट्रीट ड्यूरिंग रमजान. ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है देखने. ये हमारे पास है रायता बिरयानी के साथ. आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड गलावत. ये है हमारे पास, दिस इज मटन निहारी. वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग टेम्पटिंग. वाओ, लुक्स वेरी 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 टेम्पटिंग. आई लव दिस नल्ली, फैब्यूलस. एक बड़ा पीस है निहारी का. द बेस्ट पार्ट इज ये जो स्टू है ना, ये बहुत तेलिया होता है, ये बहुत मसालेदार होता है. ये डब्बा खुलते ही ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. यहाँ पर वी हैव गॉट द लखनवी चिकन बिरयानी. ना ये उनका स्पेशल था, इसमें टू पीसेस ऑफ चिकन है. ये पुलाव लग रहा है, बिरयानी कम, मेरे को पुलाव लग रहा है ज़्यादा. खुशबू लेकिन बिरयानी जैसी आ रही है. वाओ, इसने तो दिल जीत लिया. इतना बड़ा आलू दिया है लेकिन चावल बहुत कम दिया है. इसमें चावल बहुत ही कम है, आलू भर दिया है. तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट ठीक है. आई लव आलू. वी हैव शिरमाल रोटी, लखनवी चिकन बिरयानी, वी हैव मटन निहारी एंड वी हैव रायता टू गो विद दिस बिरयानी. रायता पीते हैं. बहुत नमक है. आई लव वाइट द रायता, बहुत नमक. लेट अस फर्स्ट ट्राई दिस शिरमाल रोटी. ना ये शिरमाल रोटी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, इसमें काफ़ी कलर दिख रहा है. आई डोंट नो शिरमाल रोटी ऐसी होती है कि कैसी होती है, बट द वन विच आई हैड इन जकरिया स्ट्रीट ड्यूरिंग रमजान, दैट वॉज मीठा मोटा रोटी. दैट वॉज डिफरेंट, दैट वॉज वेरी नाइस. आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या शिरमाल रोटी ऐसी होती है. ये रही शिरमाल रोटी और ये लिया हमने मटन निहारी की करी में डुबोया. ओए होए होए, लुक एट द तेल, दिस इज सो गुड. फैबुलस. मेरे पापा के साइड में ना मटन करी बनती है ना, अपने मैसे बनती है, उसको बहुत देर से पकाया जाता है, बहुत देर तक, 4-5-6 घंटे तक पकाया जाता है. आई थिंक निहारी को ब्यूटिफुल, यू कैन सी चिलीज, ग्रीन चिलीज. दिस इज सो गुड. ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है एंड मटन के जितना जूस है ना, जो स्टॉक है, वो एकदम जो करी में इन्फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत 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 अच्छा लगता है. यहाँ का निहारी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है. मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, मैंने निहारी पहले खा ली है, बट मटन करी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बहुत अच्छा है. आप देखो मटन कितना ज्यादा सॉफ्ट है, इट्स गेटिंग अपार्ट कंप्लीटली. इट्स सो 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 सॉफ्ट. लेट्स ट्राई द बिरयानी. शिरमाल रोटी या निहारी ने तो बहुत ज्यादा मेरे को इंप्रेस कर दिया. अब मैं इस निहारी का करी जो है ना, सही है गाइस. लुक एट दिस ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज तो मेरा दिल खुश कर दिया. इसके करी के साथ मैं बिरयानी खाती हूँ. वेरी फ्लेवरफुल. एज आई टोल्ड यू कि मैं इसको बिरयानी नहीं बोलूंगी, आई विल रादर से दिस एज पुलाव. बट बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी खाने में. मैं तो चम्मच हाथ दोनों से खाए जा रही हूँ. क्या खा रही हूँ मुझे नहीं पता. बहुत गुड फूड मेक्स माई मूड सो गुड. चावल है सामने, लव 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 एंड आलू, चावल, चिकन, मटन, आई लव फूड. यूपी का खाना काफ़ी मसालेदार है, आई मस्ट से, वेरी मसालेदार. बहुत चटपटा खाना होता है वहाँ का. ये जो एज आई टोल्ड अबाउट दिस नल्ली, इसका बोन मैरो. अब आई डोंट नो इसका मिलेगा कि नहीं. I love this. Oh my god. मेरे को लखनऊ का ट्रिप बनाना ही पड़ेगा. I have to go to Lucknow to eat all this food in local. अभी फॉर माई इवनिंग स्नैक्स आई हैव कम टू दिस प्लेस विच इज़ इन रिपन स्ट्रीट. इसके बारे में आई हैव, मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोज़ में काफ़ी बार दिखाया है. आई विल जस्ट पोस्ट द लिंक समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन. एंड दिस पीपल आर ईटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर. बिटू हैज हैड अर्लियर एंड मीटिंग माई बॉडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो वरुण, प्राची एंड मोन्टी आर ईटिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी ककोरी कबाब आना बाकी है. अरे दिस इज टंगड़ी कबाब. यहाँ का जो फेमस है दैट इज चटनी एंड दिस चटनी. ये तो खा चुका है. अच्छा, ये चटनी और ये प्याज. वरुण ये लोग फर्स्ट टाइम खा रहा है. बट मेरा कंसर्न इज नॉट दिस कबाब, टंगड़ी कबाब. माई कंसर्न इज ककोरी कबाब विच इज प्यारे कबाब. हाउज इट, हाउज इट? अच्छा है पर नमक कम. ए तेरे को बीपी का प्रॉब्लम है.
So when it comes to street food of UP, people tend to eat a lot of kebab. So हम first जो kebab खा रहे, which is tagri kebab. Definitely I've come here to try out the kakori kebab, which is pyare kebab. वो जब तक बन रहा, जब तक वो बन रहा, we'll try out tagri kebab in here. After a long time, I'm with her again eating because मैं जब भी इधर आती हूँ, she's the only person who accompanies me with this. ये रायता और प्याज इज समथिंग आई लव लव लव. कहते मैं बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, वी नेवर फेल टू ईट दिस कबाब. वो ऑल टाइम ऑफिस प्रेशर पीरियड सबसे ज्यादा हम लोग सितंबर अक्टूबर में इधर खाए. काकोरी कबाब विच इज़ प्यारे कबाब. आप देख सकते हो दिस इज सो गुड लुकिंग. देयर इज अनियन, दिस रायता एंड जो भी बोलते हैं इसको, रायता या चटनी, इज जस्ट फैबुलस. चलिए बहुत दिन बाद खा रहे हैं. जितने बार खाते उतने बार मन करता है बोलने के लिए ओ माई गॉड. इस जगह की अगर आपको फुल वीडियो जाननी है ना, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है. नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, जाके देख लीजिए. द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जो केवड़ा का और इसके जो मसाले हैं ना, इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है. द फ्लेवर्स आर सो 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 गुड. वरुण प्राची ने फर्स्ट टाइम खाया. वरुण कैसा है? वरुण बोलेगा 5 साल में आज फर्स्ट टाइम खिलाया, क्योंकि वरुण बहुत बार मेरे को ऑफिस के बाहर लेने आया है, बट कभी चांस ही नहीं मिला उसको लेके आके खिलाने का. समर्स कॉल फॉर कुल्फी डेफिनेटली, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बहुत प्यार से एंड बहुत ज़्यादा खाया जाता है यूपी में. एंड आई थिंक आई एम लविंग द स्ट्रीट फूड ऑफ यूपी फूड मच. स्ट्रीट फूड ऑफ यूपी फूड मच. अभी तक जितना खाना मैंने खाया वॉज ऑल डिलीशियस, एंड मौसम भी थोड़ा ठीक हुआ है. तो लेट्स हैव केसर कुल्फी. इज ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. I think best ice cream in the world should go to the award for best ice cream in the world should be kulfi. National ice cream bana dena chahiye na. तो ये आ गया मेरे पास मेरा यूपी डिनर. ना यूजुअली हमारे घर में डिनर में यही बनता है. यहाँ पर मेरे पास आ गया अरहर की दाल, जिसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो ग्लेजी, अब तो क्रिस्टल क्लियर जैसे पानी जैसे दिख रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये घी है, विच इज वेरी टेम्पटिंग. उसके बाद वी हैव गॉट सम रायता एंड वी हैव गॉट टहरी. ना टहरी इज बेसिकली आलू का पुलाव, विच इज लाइक नॉर्मल पुलाव. आप कुकर में डाल के, हल्दी डाल के, गर्म मसाले डाल के, आप एक सीटी मार के पुलाव बना लेते हो, वो होता है टहरी. जब हमारे घर में कुछ भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा, चावल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या खाएं, तो टहरी बना के खा लेते हैं. और अगर आप चाहो तो उसमें मटर गोभी भी डाल सकते हो, सीजनल वेज, तो वो हो गया टहरी. वी हैव गॉट सम घी में चिपड़ी हुई रोटियाँ. नाउ दिस इज मैंडेटरी इन आवर फूड. आई हैव गॉट सम बैंगन का भरता फिर. नाउ बैंगन का भरता भी हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में बनती है. इसमें नथिंग, बैंगन को भूजा गया, टमाटर को भूजा गया, प्याज को भूजा गया, टोमेटो को और अनियन को चॉप करके और बैंगन को मैश करके और गार्लिक को मैश करके, फिर थोड़े नमक, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची डाल के इसको बनाया गया. तो चलिए अब खाते हैं. बहुत भूल गया, पहले बैंगन का भरता से खाते हैं. बैंगन का भरता और उसमें डुबोते हैं इस घी वाली अरहर की दाल. यूपी में अरहर की दाल बहुत खाई जाती है. मैंने अपने घर में ही देखा है, अपनी दादी के साइड में देखा अरहर की दाल खाते हुए. मेरे मामा के साइड में, लाइक मम्मी के साइड में, मैंने कभी देखा नहीं अरहर की दाल खाते हुए. उनको हमेशा मैंने मसूर का दाल और मूंग का दाल खाते हुए देखा है. तो अरहर की दाल आई थिंक यूपी वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं. थोड़ा खटास होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, एंड दिस इज़ वेरी 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 टेस्टी दाल गाइस. वन ऑफ, मतलब व्हेन इट कम्स टू दाल, देन तड़का दाल, मसूर का दाल एंड अरहर का दाल आर माई फेवरेट दाल. ओहो, दाल में भी घी, रोटी में भी घी, और उसके ऊपर ये मिर्ची और प्याज का जायका, इट इज़ फैबुलस. जो टमाटर को दिख रहा है, टमाटर और धनिया पत्ता ना, ये जब आपके मुंह में आएगा ना, जब आप इसका सिप लोगे, इट इज हेवनली डिलीशियस.
अभी इस मील में मैंने आपको रोटी दाल बैंगन का भरता के साथ टहरी ले लिया है, बट यूजुअली हमारे घर में अगर टहरी बन रही है तो इसके साथ हम नॉर्मली हम सिर्फ रायते के साथ इसको खाते हैं और कोई कुछ हमें चाहिए नहीं होता इसके साथ। आलू, आई जस्ट लव आलू, इट्स सो फ्लेवरफुल। इसमें पूरा मैजिक गरम मसाले का है, इट्स स्पाइसी, हाँ, इट्स नॉट नॉर्मल, लाइक इट्स वेरी फ्लेवरफुल, वेरी स्पाइसी। ऊपर से जो आलू है ना, दैट्स वेरी स्वीट, आलू का मिठास और चावल का जो तीखापन है, दोनों का कॉम्बिनेशन इज फैबुलस। नाउ इस रायते में कुछ भी नहीं, नॉर्मल दही में भुंजा हुआ जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक दे दिया गया है और कुछ भी नहीं। ये नॉर्मल हम बना के कभी भी इंस्टेंटली 2 मिनट में बन जाता बना के पी लेते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूपी फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। सो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद डिफरेंट फूड चैलेंज। तब तक के लिए आप जाइए एंड वॉच एंड हैप्पी ईटिंग्स। बाय बाय।